या का नाम दो भैया का नस्ताइन। मैं रज़ा आपको, हफीज़ आपको, जो थिंक टैंक, जो आपका इकोनॉमी के ऊपर थिंक टैंक था, आप सबको आज बहुत मुबारक देता हूँ। हाँ, मुर्तज़ा आपको, क्योंकि मुर्तज़ा वाशिंगटन से छोड़ के अच्छी नौकरी आए हैं पाकिस्तान। आप सबको मैं इसलिए मुबारक देता हूँ कि मैं बड़ी, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, तो तब से मैं ये कह रहा हूँ कि किसी हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है और हम अभी तक उसको टैप नहीं कर सके। इस बड़े एसेट को हम सही तरह उसको टैप नहीं कर सके। हमें यह समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तान और चाइना दोनों ने जब अपना जो प्रोग्रेस शुरू किया, तो उनको जो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आई हिंदुस्तान में भी और चाइना में भी, वो उनके ओवरसीज़ उनकी एक्सपेट्रेट कम्युनिटी थी, उनके जो बाहर हिंदुस्तान के जो लोग बाहर काम कर रहे थे और चाइना के लोग बाहर काम कर रहे थे। तो हमने जिस तरह इस टैलेंट को, हमें जो असासे को पाकिस्तान में जिस तरह हमें इनको लाना चाहिए था और इन अब नेशन बिल्डिंग में जिस तरह इन्होंने हमारी मदद करनी थी, वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है और बड़ा कदम है, बिकॉज़ ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट ये जो शुरू किया आज आपने, ये एक मौका देता है पाकिस्तानियों को पार्टिसिपेट करने का पाकिस्तान की बिजनेसेस में। हमारी जो अभी बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा कंस्ट्रक्शन का है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े दो प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बड़े हैं, बाशा डैम भी है, ममन डैम है, हमारी ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक नई रेलवे बनाने लगे हैं, जो दो नए शहर बना रहे हैं, एक बंडल आइलैंड सिंध के अंदर और दूसरा रावी सिटी लाहौर में। ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब में हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को हमने पार्टिसिपेट करवाना है, इन्होंने शिरकत करनी है इसमें। अभी हफीज़ ने आपको बताया कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस पाकिस्तान के सबसे बड़े ये है कि हमारे इतने कर्ज़े चढ़े हुए हैं कि हम जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं, तकरीबन आधा चला जाता है कर्ज़ों की किस्तों के ऊपर। तो जो मुल्क के लिए पैसा बचता है वो काफ़ी नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम वेल्थ क्रिएशन करें, हम अपनी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी करें कि हमारे पास पैसा इतना आ जाए कि हम ये कर्ज़े वापस कर सकें। तो उसके लिए भी ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पूरा पैकेज है, उसका मकसद ही ये है कि ये जो दो बड़े शहर हैं, इसमें इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसी शुरू होती है 30 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एकदम चलनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे जो सारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, उससे इंशाल्लाह जो हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी, और इंशाल्लाह उससे फिर हम कर्ज़े वापस करने की एबिलिटी रखेंगे, हमारे पास सलाहियत होगी। और दूसरा जो इशू इन्होंने बात की वो ये कि इस मुल्क में जो हमारी जब गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा ट्रेड गैप था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर 40 अरब डॉलर का गैप था। हम 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे थे और 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे थे तकरीबन। तो ये इतना बड़ा तारीखी जो ट्रेड गैप था, जो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी तारीख था 20 अरब डॉलर रिमिटेंस निकाल के बीच में से। तो ये जो हमारे पास डॉलर्स की कमी है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपये के ऊपर पड़ता है। जब डॉलर्स की कमी होती है तो रुपया गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको जब रुपया गिरता है तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। लोग जिन्होंने पैसे बाहर से लगाने होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर रुपये ने गिरना ही है तो वो डॉलर में पैसा रखें। तो इससे सारी इकॉनमी की जो इकॉनमी की वेल्थ भी नीचे चली जाती है और फिर जो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। तो इसके लिए एक तो ये वेल्थ क्रिएशन और दूसरा डॉलर्स हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें बहुत ज़रूरत है। रेमिटेंसेज उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उनकी अब इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क में,
अभी तक हम उनको कोई वायबल चीज़ें नहीं प्रेजेंट कर सके इन्वेस्ट करने के लिए। जो करते भी हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसानियाँ होती जाएंगी इन्वेस्टर्स के लिए, तो इंशाल्लाह वो उस उधर भी आएंगे। लेकिन ये जो हमारे दो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें क्योंकि उमूमन वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेहतरीन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने की होंगी। मैं एक चीज़ अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर कह दूँ, हमारे मुल्क में पता नहीं ये क्या मसला है लोगों में, कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को या ड्यूल नेशनल को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई मुल्क के गद्दार हैं। सस्पेशन से देखा जाता है जी वो ड्यूल नेशनल है। पहले ये हम समझें कि ये क्यों 90 लाख तकरीबन पाकिस्तानी बाहर क्यों गए, क्योंकि ज़्यादातर हम नौकरियां नहीं दे सके। दूसरी चीज़, वो इतने कई वहाँ पाकिस्तानी क्वालिफाई कर बैठे, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारे पास उनके लिए सूटेबल जॉब्स नहीं है, जॉब हैं तो हम पैसे नहीं उनको दे सकते जो उनको मिलने चाहिए। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, उनकी तो बिल्कुल स्टैग्नेट की हुई है। लेकिन जिस लेवल की हम एक्सपोर्ट्स चाहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा उसका, तो उस टाइम जब तक वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स तक नहीं या ज़्यादा तक नहीं लेके जाते, तब तक हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिवाइज करना है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें, उनके लिए आसान हो पाकिस्तान में अपना पैसा लाना। और जिस तरह रजा बाकर ने कहा, अगर वो बाहर भी निकालना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए आसान हो। तो ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप लिया आपने, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि हम अब उनको ये जो अपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे भी हमारी हाउसिंग के हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं हाउसिंग में, वो भी हाउसिंग बूम शुरू हो गई है पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन बूम शुरू हो गई है। और ये जो हमारा नया पाकिस्तान का ये जो हमने अफोर्डेबल गरीबों के लिए, वो तबका जो आज तक कभी घर नहीं बना सकता था, उनको जो हमने अब इंसेंटिव्स दिए हैं सैलरी क्लास को, तो हम समझते हैं कि इससे बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन की बूम आ रही है। और इसमें मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान है, किसी भी सेक्टर में वो आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो हाउसिंग है, रियल इस्टेट है। और ये एक और इंशाल्लाह ये जो हमारा दो मेगा सिटीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, उनको ये भी मौका मिल जाएगा। तो फिर से मैं आपको रजा आपको और हफीज़ आपको, आपके इकोनॉमिक थिंक टैंक को, सबको मैं मुबारक देता हूँ, ये बहुत बड़ा आपने पहला कदम उठाया। शुक्रिया।